अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईमान फैमिली में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, मैंने बनाया है आज लोबिया और चने का सैलड बनाया है। बहुत ही इजी रेसिपी है और काफ़ी हेल्दी भी है, और आप अगर डाइट कर रहे हैं तो आप उसमें बना के खा सकते हैं। ठीक है, बहुत टेस्टी बनती है। तो आइए जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। जिसके लिए मैंने लिया जी पुदीना। पुदीने को मैंने बारीक काट लिया है, और साथ में जी मैंने खीरा लिया है, और इमली का रस है, शिमला मिर्च, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज, लीमू का रस और लोबिया, चने हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। और साथ में जी चाट मसाला है, पिसी हुई सुरख मिर्च है, नमक, काली मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा। नमक का हस्बे ज़रूरत आपने लेना है, क्योंकि चाट मसाला आप फिर इसमें डाल रहे हैं उसमें भी नमक काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा जी, ये मेरे पास इमली का रस है, इसमें मैं आधा चम्मच चीनी का डाल देती हूँ। अगर आपके पास इमली की मीठी चटनी है तो आप वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है जी, अब एक बाउल में हमने डाल देने हैं जी चने, और साथ में जी लोबिया, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, खीरा, सब्ज़ मिर्च, इसमें मैंने थोड़ी कम डाली है, और लीमू का रस, और जो इमली का रस मैंने रखा था वो इसमें डाल दिए, और जो मेरे पास ये मसाले वो डाल, चाट मसाला, भुना हुआ ज़ीरा है, सुरख मिर्च है, नमक है, और जिस साथ में काली मिर्च है इसमें डाल देना। अच्छे तरीके से इसको फिर मिक्स कर लेना। और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आपने उसमें मीठी चटनी नहीं डालनी, आपने ऐसे इमली का रस डाल देना है, और पुदीना भी एंड में आपने इसमें डाल देना है, और मिक्स कर लें। रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी आपने ज़रूर करना है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।